देश के किसानों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और पेंशन सहित एक सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं zbiz.com। आज हम आपको कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो कि खास तौर पर किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। इस सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिससे आपके पैसे डबल हो जाएंगे। किसान विकास पत्र योजना एक ऐसी योजना है जिससे निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा बचत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। खास तौर पर जो ऐसे निवेशक हैं जिनके पास जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट को कुछ तय रिटर्न्स के साथ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये बढ़िया ऑप्शन है। ये एक फिक्स्ड रेट स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि 124 महीने की ड्यूरेशन में आपके पैसे को डबल कर देती है। यहाँ पर फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% सालाना है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1000 रुपये का कर सकते हैं और मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल तय है। यहाँ पर आईडी प्रूफ की तरह आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड आदि यूज किया जा सकता है। इस सेक्शन की दूसरी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए एक रेगुलर इनकम फिक्स कर सकते हैं। यह है पीएम किसान मानधन योजना, जहाँ पर आप 60 साल की उम्र के बाद एक फिक्स इनकम का यानी कि पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीने तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर 3000 रुपए महीना या फिर 36000 रुपए सालाना की पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। LIC द्वारा ये जो स्कीम है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना बीच में छोड़ देते हैं तो भी आपका पैसा यहाँ पर डूबता नहीं है। इन सबके अलावा भी एक और ऐसी स्कीम है जिसके जरिए आप अपनी ईयरली बेसिस पर कुछ इनकम जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत छोटे किसानों को 3 बार 2000 रुपए की किस्त यानी कि 6000 रुपए सालाना प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये कि जो छोटे किसान हैं उन्हें खेती और किसानी के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। फिलहाल बात करें तो इस योजना के तहत 11 किस्त किसानों को दी जा चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप pmkisan.government.in की वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। आप वहां पर योग्य हैं या नहीं इस स्कीम के तहत ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं या फिर इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये थी गवर्नमेंट के थ्रू बैग्ड कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें zbiz.com और अन्य खबरों के लिए zbusiness को सभी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।